नमस्कार, स्वागत करते हैं आपको उड़ीसा फूड डिलाइट में। जय जगन्नाथ। आज की रेसिपी है उड़ीसा की प्रसिद्ध छेना पोड़ो। खूब स्वादिष्ट रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाने वाले सुदर्शन साहू जी को पहले धन्यवाद करते हुए उड़ीसा की प्रसिद्ध नयागढ़ स्पेशल इस छेना पोड़ो को शुरू करने जा रहे हैं। छेना पोड़ो को बनाने से पहले छेना बनाना जरूरी है। बिल्कुल फ्रेश छेना होनी चाहिए। 2.5 लीटर दूध है और वो दूध फुल क्रीम वाली है। यहाँ हम अमूल गोल्ड के दूध लिए हैं, जिस दूध को हम अब लगातार चलाते हुए उबाल रहे हैं। दूध को फाड़ने के लिए एक कटोरी में हम 3 बड़े चम्मच नींबू का रस या सिरका लेंगे। उसमें 1 चम्मच पानी डालकर इस दूध में हम डालते हैं और लगातार चलाते हुए इस दूध को हम फाड़ लेते हैं। यहाँ अब हम गैस बंद कर देते हैं। कुछ इस छेना पानी को हम निकाल कर कटोरी में रख रहे हैं। कम से कम 1/3 कप इसे रख लेंगे, जो बाद में काम आएगा। अब इस छेना को छानना है, तो एक जाली के ऊपर कपड़ा लगा के हम इस छेना को छान लेते हैं। अब इस छेना को नलके के नीचे रख कर धो लेते हैं अच्छे से, जिससे ये छेना ठंडा हो जाएगा और हमारा छेना मुलायम हो जाएगा। अब इस छेना से हम थोड़ा पानी निकाल लेते हैं। ज़्यादा हमें इसको प्रेस नहीं करना है, बस इसको थोड़ा निचोड़ कर ऐसे ही छेना हम लेंगे। अब इस छेना को थोड़ा मसलते हैं। इसमें 1 चम्मच चावल का आटा हम डाल रहे हैं। चावल के आटा से स्वादिष्ट बन जाता है ये छेना पोड़ो। अब इन छेना को हम मसलते हैं और अच्छे से मिलाते हैं। जो छेना पानी निकाल कर रखे थे अब डाल रहे और इसे हम अच्छे से मिला रहे। यहाँ अब हम गुड़ लिए हैं, जो गुड़ है 300 से 350 ग्राम करीब। अब इसको थोड़ा हम घिस कर डाल रहे हैं, जो हमें आसानी होगा छेने के साथ जल्दी मिलाने को। आप गुड़ के बदले आप चीनी ले सकते हैं। हमारे नए वीडियो अपडेट के लिए प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इस गुड़ को हम छेने के साथ तब तक मिलाएंगे जब तक ये गुड़ अच्छे से मिल ना जाए हमारे इस छेने के साथ। गुड़ और छेना घुल मिलकर बिल्कुल ऐसी पतली होनी चाहिए। अब 4 हरी इलायची इतने में काफ़ी है, तो जिसे हम फ्रेश कूट कर इस मसाले डालेंगे। अब इस हरी इलायची के पाउडर को अच्छे से मिला लेते हैं हमारे छेने के साथ। यहाँ एक प्रेशर कुकर गरम कर रहे हैं, उसमें 1 कप नमक डाल रहे हैं और नमक को अच्छे से फैला रहे हैं। अब ये ढक्कन का गैसकेट निकल रहा है और इसका होइसिल, ये दोनों निकाल कर अब ढक देंगे और 10 मिनट तेज आंच पे गरम करेंगे। साफ केले के पत्ता ले रहे, जिसे हम थोड़ा सेक लिए हैं आंच पे, जो मुलायम हो गया है, और एक ट्रे में आप इसको लगा कर बेक करना। हम एक डूंगा लिए है, वो भी ये कांसे के डूंगा है, जो ब्रास और कॉपर से मिलकर होता है। अब इसमें हम केले की पत्ता लगाते हैं और हमारा छेना का मिक्सचर को इसमें डालते हैं। आप इसे माइक्रो ओवन में कन्वेक्शन मोड पे बना सकते हैं, नहीं तो ओवन में आप बना सकते हैं। यहाँ इसमें एक जाली लगा रहे, जो आसान होगा हमें बेकिंग करने को। अब इस प्री हीटेड प्रेशर कुकर के अंदर भर कर इसे हम फिर ढक्कन लगा देंगे, जिस ढक्कन में ना ये रबड़ होगा ना होइसिल होगा। अब इसे हम धीमी आंच पे 45 मिनट तक पकाने हैं।
45 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम इसको चेक कर लेंगे एक चाकू की सहायता से। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा ये छेना पोड़ो बन गया है। अब इसे निकाल कर हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद अब इसे हम उल्टा करके फिर इसे हम ले रहे एक ट्रे पे और काटना शुरू करते हैं। रस से भरा हुआ काफी मुलायम और स्वादिष्ट और हेल्दी भी हमारा ये छेना पोड़ो बन गया है। आप इसको गर्म खाइए नहीं तो ठंडा खाइए, जरूर ट्राई करना इस रेसिपी को। हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, अगर हो सके तो लाइक कर देना और बनाने के बाद फिर लिखना कैसा लगा हमारा ये रेसिपी। फिर एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ मैं आऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।